रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 5 दिनों से कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम पर एक बहुत ही विशाल भव्य, एक बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट का जिसे कहा जा सकता है, उसका आयोजन यहाँ पर चल रहा है। आज आखिरी दिन है, 7 मार्च से ये क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है और आज 12 मार्च है। 5 दिनों तक इतना बड़ा ये टूर्नामेंट यहाँ चला है और इस टूर्नामेंट का नाम मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ इतना, ये स्टेज पर जो सबसे बड़ा बैनर लगा है, कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022। ये खेल की जहाँ तक बात है, वहाँ पर आपको इसका दूसरा एक सबसे बड़ा पहलू मैं बता दूँ। मैं बताऊँगा कि देखिए, ये कौसा गाँव है, ये पूरा कौसा गाँव है। यहाँ आपको कौसा गाँव के लगभग जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, हाँ, हमारे लियाकत भाई भी ऊपर हैं, लियाकत ढोले साहब, कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी हैं हमारे। तो आपको बता दूं, कौसा गांव की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है। लगभग मैं गलत नहीं हूं तो 350 साल पुराना जो है कौसा गांव का अपना एक इतिहास है। यहाँ इस गाँव को बसाने वाले और इस गाँव को फिर आगे एक सबब में तब्दील करने वाले ये तमाम वो कौसा गाँव के खानदान हैं, जिसमें डोंगरे भी हैं, जिसमें खान बुबेरे भी हैं, राउत भी हैं, दलवी भी हैं और गुलबार भी हैं, सुरमे भी हैं, ऐसे तमाम कई सारे। अगर कोई, अगर इसमें हमारे कौसा गांव का खानदान का कोई नाम छूटा होगा तो ढोले खानदान है, जैसे हमारे लियाकत भाई भी ऊपर है, तो ये तमाम जो है वो लोग हैं। तो आज इस कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने कई अरसे बाद राजनीति से, समाज नीति से, हर तरह से ऊपर उठ करके ये कौसा गांव इकट्ठा इस चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेटफॉर्म पर एक नजर आ रहा है। इसके आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है नासिर खान बुबेरे साहब ने, उनके भाई हैं और तमाम ये तमाम साथी, सबके नाम लेना मेरे लिए जो है संभव नहीं है कि एक एक का नाम लेकर के मैं बताऊं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर चेहरों से मुमरा कौसा के ज़्यादातर लोग जो है अच्छी तरह से वाकिफ है, परिचित है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस टूर्नामेंट के संकल्पना को लेकर, यानी इसके कंसेप्ट को लेकर के 5 दिन तक यहाँ पर लगातार इतने बड़े आयोजन को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। टूर्नामेंट तो बहुत सारे होते हैं और उसमें कई तरह की कई चीज़ें भी होती है, लेकिन खेल भावना उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है और ख़त्म होती जाती है। लेकिन यहाँ कौसा गांव की एकता और उसके साथ क्रिकेट के जरिए खेल की भावना। नासिर भाई, कैसे सूझा? ये मेरा ऐसा था, अल्लाह ताला ने सुझाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा मेहरबानी और करम है। हमारे जवान जो तबका है, बच्चे लोग ने बोले कि भाई कैसा अभी वो टूर्नामेंट रखने का, उसके अंदर गुड्डू सुरमे और आशीष भोले, ये दोनों जन आए थे, बोले अब लोग टूर्नामेंट करने का, बोले बेटा टूर्नामेंट करना आसान काम नहीं, बराबर हम लोग पेन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, हमको बहुत उधर तकलीफ होती है, नहीं बोलते करेंगे इंशाल्लाह, तुम हमारा साथ दो। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह करेंगे आप। तो उसके बाद में हम लोग एक मशवरा किए, मीटिंग लिए कौसा गांव ने, क्या करना है, बोले हम लोग साथ देंगे आज इसको, अपन इंशाल्लाह और वो कामयाबी इन 5 दिनों में दिख रही है। ठीक है, हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के कुछ तकनीकी मुद्दों पर, किस तरीके का इसका आयोजन किया गया, कैसा कंसेप्ट है, कैसे टीमों को बुलाया गया है, उनकी एंट्री का मामला कैसा रहा है, कैसे उन्हें यहाँ पर खिलाया गया है, तो इस पर हम बात करेंगे कौसा गाँव के एक युवा नेता, एक अच्छे समाज सेवी जमीर सूर में हमारे साथ है। जमीर, क्या बताओगे किस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? देखिए, इस टूर्नामेंट का आयोजन कुछ इस तरह से किया गया है कि टोटल 32 टीम्स है और इस एक ही टूर्नामेंट में हम लोग साइमल्टेनियसली 2 टूर्नामेंट्स को रन कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण विभाग का एक टूर्नामेंट है जिसमें ग्रामीण के 16 टीम्स खेलेंगे और दूसरा टूर्नामेंट जो है वो ओपन हाफ का टूर्नामेंट है, उसको भी हमने बाइफरकेट इस तरह से किया कि पहले लीग मैचेस तालुका हाफ के 8 टीम लिए और ओपन हाफ के 8 टीम लिए, उनके लीग मैचेस कराए और आज वो एक टूर्नामेंट साइमल्टेनियसली ओपन हाफ का चल रहा है और ग्रामीण विभाग का अलग चल रहा है। दोनों के लिए हम लोग ने अलग अलग प्राइजेस रखे हैं। ओपन हाफ के लिए हमने फर्स्ट प्राइज 3 लाख रुपीज़ प्लस ट्रॉफीज और सेकेंड प्राइज 1,50,000 प्लस ट्रॉफीज। सिमिलरली ग्रामीण में हमने 1,50,000 फर्स्ट प्राइज प्लस ट्रॉफीज और 75,000 सेकेंड प्राइज प्लस ट्रॉफीज, और उसके अलावा हमने मैन ऑफ द सीरीज में बाइक्स रखे हैं। अच्छा। फिर
बाईसाइकल्स रखे हैं, कई सारे ट्रॉफीज़ हैं, ये सारे इनामत रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा जो टूर्नामेंट है हमारे नासिर मोहिद्दीन खान दुबेरे साहब ने स्पॉन्सर किया है, और ऑर्गेनाइजिंग में नासिर मोहिद्दीन खान दुबेरे साहब और यूथ्स ऑफ कौसा गाँव, तमाम कौसा गाँव ने मिल के सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी कामयाबी, और इसको आपने खुद कहा कि टूर्नामेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एक अच्छा टूर्नामेंट वही होता है जो शांतिपूर्ण होता है, जिसमें किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई विवाद नहीं किसी तरह का कोई। आपने और भी बहुत अच्छी कही रफीक कामदार साहब के सियासत से हटके और हर चीज से हटके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टूर्नामेंट बहुत ही कामयाब रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नासिर खान मोहिद्दीन बुबेरे साहब का और हमारे तमाम कौसा गाँव के लोगों का, जिन्होंने बहुत ही मन लगा के और पूरी तरह से यहाँ पर आकर रोज सपोर्ट कर करके इस टूर्नामेंट को कामयाब किया। हमारे साथ में एक कौसा गांव की ऐसी व्यक्ति है जो जल्दी बोलती नहीं है, हमारा एक छोटा सा सवाल उनसे रहेगा, हमारे आरिफ भाई से, आरिफ राउत साहब से। आरिफ भाई, सिर्फ कौसा गांव की जो एकता इस टूर्नामेंट के बहाने इन पाँच दिनों में फिर एक बार दिखाई दी है, जो कौसा में मुमरा में आज से 30-40 साल पहले हम अक्सर देखते थे कि उस यूनिटी के आगे अच्छे अच्छों को घुटने टेकना पड़ता था, ये यूनिटी फिर यहाँ क्रिकेट के इस खेल के जरिए फिर दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहले भी एक थे, एक है, और इंशाल्लाह मरते दम तक एक रहेंगे, क्योंकि हमारा कब्रस्तान भी एक ही है। आपको पता है जी। और आप भी 40 साल से देख रहे हैं, 50 साल से देख रहे हैं, उम्र के हिसाब से कि 10-15 साल में जब हम रोड पे निकले तो एकता जो पहले थी वो आज भी और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, और सबको लेके चलेंगे, गांव वाले ने जो बाहर वाले वो भी हमारे, उनको लेके भी हम चलना चाहते हैं, अगर वो हमारे साथ आएंगे तो। क्यों नहीं आएंगे? लोग जो है आए, अभी बाहर के लोग ज़्यादा हो गए, हम कम हो गए। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा जज्बा और वही पुराना जज्बा है, हम जो गांव वाले थे आज गांव शहर में तब्दील हो गया बेशक, लेकिन हमारा मन उसी गांव की तरफ है, और हम सब है वो एक है, भाई बहन जो भी हमारे रिश्तेदार है, वो पहले कुछ दूरियाँ हुई थी वक्ती तौर पे, लेकिन फिर नासिर भाई ने बहुत अच्छी पहल की, और जमीर सुरमे ने 2-3 साल पहले ये पहल किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एक हो गए और आगे भी हम एक रहेंगे। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि जो भी आपस की खलिश है उसको निकाल दो, जो था अभी वो सब हम तो ख़त्म किए, और आगे भी इसके लिए कोई भी गुंजाइश मत रखो कि हम फिर किसी बात पर लड़ें और लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये थी हमारी कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 की आज की ये खबर। आपने देखा किस तरीके से इसका आयोजन किया गया है, और क्रिकेट के बहाने फिर एक बार कौसा गांव ने अपनी एकता का यहां पर मुजाहिरा किया है। जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने अगली खबर के साथ।